जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और मैं अनिकेत हाइपर ब्लॉग से एक फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आ चुका हूँ अपना नियरेस्ट TVS शोरूम विकास ऑटोमोबाइल, क्योंकि आज हम करने वाले हैं यहाँ पर TVS का एक ब्रांड न्यू स्कूटर का रिव्यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको कौन सा वाला स्कूटर का मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। इसके साथ प्राइस रेंज फीचर सब कुछ बताएंगे वीडियो में, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ वीडियो में एंड तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड TVS के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग विजिट कीजिए विकास ऑटोमोबाइल विधाननगर। मैं डिस्क्रिप्शन में इन लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, एंड आप लोग चाहो तो फ़ोन करके भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्कूटर से। और आप लोग देख सकते हो मेरे सामने TVS जुपिटर ZX वेरियंट, जो कि जुपिटर 110 का टॉप वेरियंट है। ये जो वेरियंट है वो टॉप वेरियंट, लेकिन इसके अलावा भी और 5 वेरियंट में ये स्कूटर हम लोगों को मिलता है। सबसे पहले आएगा जुपिटर का बेस वेरिएंट, फिर आएगा जुपिटर का SMW वेरिएंट, फिर आता है ZX वेरिएंट, उसके बाद आएगा ZX प्लस DX वेरिएंट, देन जो टॉप मॉडल है वो है अपना ZX प्लस स्मार्ट कनेक्ट प्लस DX वेरिएंट। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स TVS ने प्रोवाइड किया है, और बाकी जितना भी वेरिएंट है उससे कितना ज़्यादा फीचर्स हम लोग को एक्स्ट्रा मिलता है इस प्रोडक्ट में, वो भी बताएंगे, एंड प्राइस रेंज सब कुछ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी इसका फ्रंट प्रोफाइल से। और देख सकते हो अभी हम लोग आ चुके हैं स्कूटर की फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट से एंड साइड से जितना भी वेरिएंट है, मतलब जुपिटर 110cc का जितना भी वेरिएंट है, डिज़ाइन में कोई भी हम लोग को चेंजेस नहीं मिलता है, सिर्फ फीचर्स में चेंजेस मिलता है एंड कलर कॉम्बिनेशन में चेंजेस मिलता है। टॉप वेरिएंट में हमें 2 कलर ऑप्शन के साथ मिलता है। मेरे पास जो अभी कलर है वो है कॉपर ब्रॉन्ज, इसके अलावा भी मैट ब्लैक फिनिश के साथ हम लोगों को एक कलर मिलता है। और आप लोग इसका डिज़ाइन देख सकते हो, फ्रंट से जो पहले का जो डिज़ाइन आता था उसी डिज़ाइन में मिलता है, सिर्फ फीचर्स में हम लोगों को चेंजेस मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फ्रंट से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोगों को मिल जाएगा फुल LED हेडलैम्प, यहाँ पर हम लोगों को TVS का ब्रांडिंग मिलता है। इसके साथ हम लोग को यहाँ पर LED टेक का ब्रांडिंग मिल जाएगा, एंड यहाँ पर हम लोगों को क्रोम फिनिश मिलता है बोथ साइड। रियर व्यू मिरर्स हम लोगों को मिल जाएगा ब्लैक कलर में, एंड इसके ऊपर क्रोम फिनिश मिल जाएगा, एंड रियर व्यू मिरर्स हम लोगों को मिलता है वाइडर रियर व्यू मिरर्स। और कलर आप लोग देख सकते हैं हम लोग को मिल जाएगा ब्रॉन्ज कलर के साथ। यहाँ पर हम लोग को क्रोम फिनिश के साथ TVS का ब्रांडिंग मिल जाएगा। यहाँ पर मिलता है फ्रंट नंबर प्लेट हैंगर, एंड फ्रंट का जो पैनल है वो हम लोग को मिलता है प्लास्टिक बिल्ड, एंड ये वाला जो पैनल है इसका कलर हम लोग को मिलता है कॉपर कलर में। यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा स्मार्ट कनेक्ट का ब्रांडिंग मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग को यहाँ पर फ्रंट एयर वेंट्स मिलता है, एंड इसके साथ जो हम लोग को टर्न इंडिकेटर्स मिलता है वो मिल जाएगा हैलोजन के साथ टर्न इंडिकेटर्स, एंड यहाँ पर भी हम लोग को क्रोम फिनिश मिलता है। एंड फ्रंट मडगार्ड आप लोग देख सकते हो हम लोग को मिल जाएगा मेटल का मडगार्ड कॉपर कलर में, एंड मडगार्ड के सामने हम लोग को यहाँ पर रबर का एक एक्स्ट्रा लेयर TVS ने ऐड करके दिया है। फ्रंट सस्पेंशन हम लोग को मिलता है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन। इसके साथ फ्रंट ब्रेक हम लोगों को मिल जाएगा 220mm डिक्स विथ सिंगल पिस्टन कैलीपर। कैलीपर में कोई हम लोग को ब्रांड का नाम मेंशन नहीं है, और कैलीपर का कलर आप लोग देख सकते हो हम लोग को मिल जाएगा गोल्डन कलर के साथ। एंड सस्पेंशन की दोनों तरफ हम लोग को रिफ्लेक्टर्स मिलता है स्टैंडर्ड, एंड फ्रंट टायर हम लोग को मिल जाएगा 90x90 R12 का TVS का ट्यूबलेस टायर्स, एंड फ्रंट एलॉय का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो हम लोग को सेम पहले का डिज़ाइन ही मिलता है। आप लोग देख सकते हो डिज़ाइन जो पहले का जो डिज़ाइन आता था सेम उसी डिज़ाइन में मिलता है, और एलॉय का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एलॉय हम लोग को प्रोवाइड किया है, और कलर हम लोग को मिलता है ब्लैक कलर के साथ। एंड साइड पैनल्स भी हम लोगों को मिल जाएगा कॉपर कलर के साथ, एंड इंटीरियर का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो हम लोग को मिल जाएगा सिंपल जो डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन में मिल जाएगा इंटीरियर। और यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 2 liters इसका ग्लव बॉक्स, इसके साथ हम लोग को यहाँ पर मिलता है 12W का मोबाइल USB चार्जर, एंड यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा एक हुक जहाँ पर जिसका मैक्स कैपेसिटी है 3 kg, एंड इसके साथ यहाँ पर भी हम लोग को एक हुक मिलता है इसका भी कैपेसिटी है 3 kg, एंड यहाँ पर भी हम लोग को एक एयर वेंट्स मिलता है। और लेग स्पेस की बात करें तो हम लोग को मिल जाएगा 375mm इसका लेग स्पेस, एंड इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस हम लोगों को मिलता है 163mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस। एंड इसके साथ स्कूटर में हम लोगों को मिल जाएगा साइड स्टैंड एंड सेंटर स्टैंड दोनों ही मिल जाएगा स्टैंडर्ड, एंड साइड स्टैंड में हम लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी मिलता है। और साइड पैनल्स का आप लोग कलर देख सकते हो हम लोगों को मिल जाएगा कॉपर कलर के साथ। यहाँ पर हम लोगों को क्रोम फिनिश का एक स्ट्रैप मिल जाएगा, जुपिटर का ब्रांडिंग मिलता है क्रोम फिनिश के साथ, एंड ZX का ब्रांडिंग भी हम लोग को मिल जाएगा क्रोम फिनिश के साथ। एंड इंजन की कलर आप लोग देख सकते हैं हम लोग को मिल जाएगा ब्लैक कलर के साथ इसका इंजन, एंड यहाँ पर हम लोग को TVS का ब्रांडिंग मिलता है।
एंड यहाँ पर हम लोग को किक मिल जाएगा स्टैंडर्ड, इस स्कूटर में किक मिल जाएगा, उसके साथ सेल्फ स्टार्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग को मिलता है पिलियन फुटरेस्ट, एंड अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर अलग से लेडीज़ फुटरेस्ट भी आप लोग बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन वो अलग से हम लोग को परचेज़ करना होगा। यहाँ पर इंजन में हम लोग को मिल जाएगा एयरबॉक्स का एक वाल्व, अगर एयरबॉक्स में किसी दौरान पानी घुस जाए तो हम लोग बहुत इजीली इसके मदद से पानी को यहाँ से निकल पाएंगे बहुत इजीली। और इंजन हम लोगों को मिलता है सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वाल्व एयर कूल्ड बीएसएस कंप्लाइंट एफआई इंजन, एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को मिल जाएगा 109.7 सीसी। एंड अगर इस इंजन की पावर फिगर्स की बात करें तो हम लोग को मिलता है 7.88 पीएस मैक्स पावर एट 7500 आरपीएम। इसके साथ हम लोगों को मिल जाएगा 8.8 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क जो कि जनरेट होता है 5500 आरपीएम पर। एंड स्कूटर की कर्व वेट हम लोगों को मिलता है 109 केजी इसका कर्व वेट। एंड सीट हाइट हम लोगों को मिल जाएगा 765 एमएम इसका सीट हाइट। एंड सीट का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो, हम लोग को डुअल टोन कलर फिनिश के साथ इसका सीट मिलता है, और सीट के ऊपर जो डिज़ाइन हम लोग को मिलता है एक प्रीमियम सीट हम लोग को प्रोवाइड किया है टीवीएस ने। एंड यहाँ पर जो स्ट्रेचेस हम लोग को मिलता है यहाँ पर मिल जाएगा, एंड रियर के साइड जो स्ट्रेचेस हम लोग को मिलता है इसके कारण सीट देखने में अट्रैक्टिव लगता है बहुत ही ज़्यादा। एंड यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा प्लियन बैकरेस्ट भी मिलता है। इसके साथ इस स्कूटर में हम लोगों को रियर सस्पेंशन मिलता है हाइड्रोलिक डैम्पर जो कि हम लोग अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से थ्री स्टेप में इसको एडजस्ट कर पाएंगे। एंड रियर ब्रेक हम लोगों को मिल जाएगा 130 mm ड्रम ब्रेक्स जो कि अपना SBT ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है, SBT मतलब सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम। एंड रियर टायर हम लोग को मिल जाएगा 90x90 R12 का TBS का ट्यूबलेस टायर्स। तो चलिए अभी चलते इसका टेल सेक्शन। टेल से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो क्लियर बैकरेस्ट मिलता है यहाँ पर हम लोग को जुपिटर का ब्रांडिंग मिल जाएगा। एंड यहाँ पर मिलता है अपना फ्यूल कैप जो कि सिल्वर एंड ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ आता है, यहाँ पर हम लोगों को TBS का ब्रांडिंग मिलता है। एंड फ्यूल टैंक की अगर कैपेसिटी की बात करें तो हम लोग को मिल जाएगा 6 liters इसका फ्यूल टैंक। इसके साथ टेल लैंप आप लोग देख सकते हो, हम लोग को मिल जाएगा हेलोजन के साथ टेल लैंप। एंड यहाँ पर हम लोग को मिलता है हेलोजन के साथ टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ पर हम लोग को मिलता है रियर नंबर प्लेट हैंगर, इसके साथ यहाँ पर मिल जाएगा रिफ्लेक्टर्स। एंड ब्लैक कलर में हम लोग को मिल जाएगा मड गार्ड, और एग्जॉस्ट आप लोग देख सकते हो हम लोग को मिल जाएगा ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट, एंड इसके ऊपर स्टील का हम लोग को काउल मिल जाएगा। यहाँ पर CVTI का ब्रांडिंग मिलता है एंड BS6 का भी ब्रांडिंग मिलता है, और एग्जॉस्ट हम लोग को मिलता है फुल ब्लैक फिनिश के साथ। और एक चीज़ जो स्कूटर की मुझे अच्छा लगा, आप लोग देख सकते हो हम लोग को यहाँ पर सेपरेट टायर हगर प्रोवाइड किया है TBS ने। रेनी सीजन में डस्ट एंड धूल मिट्टी से ये टायर हगर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा हम लोगों को। एंड यहाँ पर हम लोगों को मिलता है जुपिटर का ब्रांडिंग जो कि सेम क्रोम फिनिश के साथ आता है। एंड यहाँ पर एक क्रोम का स्ट्रैप हम लोग को प्रोवाइड किया है जो साइड से स्कूटर का लुक्स बहुत ही ज़्यादा इनहेंस करता है, एक प्रीमियम सा डिज़ाइन हम लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर GS का ब्रांडिंग मिलता है, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो एक ट्राइंगुलर शेप में जो हम लोग को स्टिकरिंग प्रोवाइड करता है वो बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा पिलियन फुटरेस्ट, एंड आप लोग लेग स्पेस देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मैसिव साइज का लेग स्पेस हम लोग को प्रोवाइड किया है। एंड यहाँ पर हम लोगों को मिलता है TBS इंटेलिगो का ब्रांडिंग। तो चलिए अभी चलते इसका हैंडल बार देखते हुए वहाँ पर हम लोगों को क्या क्या चीज़ मिलता है। और हैंडल बार आप लोग देख सकते हो हम लोगों को जो ग्रिप हम लोगों को प्रोवाइड किया वो ब्लैक कलर में मिल जाएगा, एंड ब्रेक लीवर्स भी हम लोगों को ब्लैक कलर में मिलता है। एंड इसके साथ हम लोगों को यहाँ पर पार्किंग ब्रेक भी मिल जाएगा। और स्विचेस की क्वालिटी की बात करें तो स्विचेस हम लोगों को यह सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगा हाई बीम लो बीम एम पास सिंगल स्विच में इनबिल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर मिलता है टर्न इंडिकेटर्स का स्विच, यहाँ पर मिल जाएगा हॉर्न का स्विच। एंड राइट साइड में हम लोग को यहाँ पर मिलता है इंटेलिगो का स्विच, यहाँ पर मिल जाएगा वॉइस असिस्टेंट का स्विच, एंड यहाँ पर मिल जाएगा सेल्फ का बटन। और ब्रेक लीवर्स भी हम लोग को ब्लैक कलर में मिलता है। एंड रियर व्यू मिरर्स हम लोग को मिल जाएगा ब्लैक कलर में, वाइडर रियर व्यू मिरर्स। तो चलिए अभी चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेकिन उससे पहले इसका की का जो डिज़ाइन है उसको भी हम लोग के बाद देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं जो मल्टी फंक्शनल की स्लॉट है इससे हम लोग क्या क्या कर पाएंगे। की को इंसर्ट करने के बाद अगर हम लोग सिंपली राइट को ट्विस्ट करेंगे तो अपना जो इग्निशन है वो ऑन हो जाएगा, एंड पुश करके अगर लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे जो अपना जो हैंडल बार है वो लॉक हो जाएगा। देखिए अपना हैंडल बार, जो अपना हैंडल बार है वो लॉक हो चुका है। एंड पुश करके अगर राइट को ट्विस्ट करेंगे तो अपना जो फ्यूल कैप है वो ओपन हो जाएगा, और देख सकते हो आप लोग अपना जो फ्यूल कैप है वो ओपन हो चुका है। एंड अगर सिंपली अगर लेफ्ट को ट्विस्ट कर लेंगे तो अपना जो सीट है वो ओपन हो जाएगा, उसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं।
और देखिए अपना जो सीट है वो ओपन हो चुका है, और इसके साथ जो अंडर सीट स्टोरेज आप लोग देख सकते हैं, हम लोग को मिल जाएगा 21 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज, जो बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज हम लोग को मिलता है। हम लोग बहुत इजीली यहाँ पर एक फुल फेस हेलमेट कैरी कर सकते हैं। एंड इसके साथ हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा बूट लैम्प, जो कि एक अच्छा फीचर टीवीएस ने हम लोग को प्रोवाइड किया है। एंड सीट का कुशन की बात करें तो सीट कुशन भी हम लोग को मिल जाएगा सॉफ्टर साइड। एंड सीट का लेंथ आप लोग देख सकते हैं, एक बड़ा सीट हम लोग को प्रोवाइड किया है। एंड सीट काफ़ी वाइडर सीट भी हम लोग को मिल जाएगा, जो राइडर सीट है यहाँ से फ्रंट की साइड में हम लोग को थोड़ा नैरो मिलता है, एंड रियर की साइड में हम लोग को वाइडर मिल जाएगा। और की का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो कि नॉर्मल जो टीवीएस का जो डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन में मिलता है हम लोग को की, और यहाँ पर हम लोग को टीवीएस का ब्रांडिंग एंड टीवीएस का लोगो भी मिलता है। तो चलिए अभी चलते इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड यहाँ पर जो हम लोग को की स्लॉट मिलता है, हम लोग को मल्टी फंक्शन की स्लॉट प्रोवाइड किया है टीवीएस ने। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोग देख सकते हैं, हम लोग को मिल जाएगा फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जो पैनल्स हम लोग को प्रोवाइड किया है वो एक LCD पैनल हम लोग को मिलता है, एंड यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर कुछ सिंबल्स मिलता है, इंडिकेटर्स का सिंबल मिल जाएगा, यहाँ पर इंटेलिगो का सिंबल्स मिलता है, हाई बीम लो बीम का सिंबल मिल जाएगा, यहाँ पर इको एंड पावर मोड का सिंबल मिलता है। एंड राइट साइड में अपना मिल जाएगा इंडिकेटर का सिंबल, यहाँ पर मिलता है लो ऑयल का सिंबल, यहाँ पर मिल जाएगा FI का सिंबल, एंड यहाँ पर हम लोग को ब्लूटूथ का सिंबल मिल जाएगा। इस स्कूटर में हम लोग को ब्लूटूथ का ऑप्शन भी मिलता है, एंड यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा स्मार्ट कनेक्ट X का ब्रांडिंग, एंड यहाँ पर हम लोग को दो बटन्स मिलते हैं मूड एंड सेट। ऊपर में हम लोग को यहाँ पर TVS का लोगो मिल जाएगा, एंड जो डिजिटल वाला सेक्शन है यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड किया है। सबसे पहले ऊपर में हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा TRIP F, TRIP A, TRIP B, एंड यहाँ पर ODO मिल जाएगा। इसके साथ हम लोग को यहाँ पर मिलता है क्लॉक, यहाँ पर मिल जाएगा स्पीडोमीटर, यहाँ पर मिलता है अपना फ्यूल गेज, यहाँ पर अपना जो नोटिफिकेशन है जैसे अपना लो फ्यूल हो गया, साइड स्टैंड, ब्लूटूथ का सिंबल, अपना कॉल अलर्ट का सिंबल, SMS अलर्ट का सिंबल, सब कुछ दिखाएगा यहाँ पर। इसके साथ जो GPS का जो ऑप्शन है जैसे टर्न राइट एंड नेविगेशन, वो भी यहाँ पर दिखाता है, एंड यहाँ पर इंजन ओवर हीटिंग का भी ऑप्शन दिया है। मतलब तो बहुत सारा फीचर्स हम लोगों को इस डिस्प्ले में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो मूड एंड सेट का जो स्विच है, इसके मदद से मूड को प्रेस करेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे TRIP A, TRIP B, और अभी आ चुके TRIP F। अगर स्कूटर में लो फ्यूल आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो TRIP F है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जो एक बढ़िया फीचर्स TVS ने प्रोवाइड किया है। एंड स्कूटर की अगर माइलेज की बात करें तो हम लोगों को मिल जाएगा 60-65 के आसपास, डेफिनेटली हम लोग इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप व्यूअर्स में से कोई अगर जुपिटर का ZX+DX+ स्मार्ट कनेक्ट का जो वेरियंट यूज़ कर रहे हो, मतलब अभी राइड कर रहे हो, तो आप लोग अपना अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हो। इसके साथ आप लोगों को कितना माइलेज मिल रहा है वो भी मुझे कमेंट्स के थ्रू आप लोग शेयर कर सकते हो। तो चलिए अभी चलते इसकी प्राइसिंग की ओर। एंड अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो वेरिएंट है, सब वेरिएंट में अलग अलग प्राइसिंग हम लोगों को मिलता है, और टॉप वेरिएंट जो हम लोगों को मिल रहा है इसका प्राइसिंग हम लोगों को मिल जाएगा 86,009 रुपीज़ इसका एक शोरूम प्राइस। एंड ऑन रोड में ये बाइक हम ये स्कूटर हम लोग को मिल जाएगा 1,03,848 रुपीज़। और इसका इजी EMI ऑप्शन भी अपना जो विकास ऑटोमोबाइल है यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों को इस स्कूटर के रिलेटेड कोई भी क्वायरीज हो या TVS के किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वायरीज हो, तो आप लोग डेफिनेटली विजिट कीजिए विकास ऑटोमोबाइल विधाननगर, या आप लोग चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड अगर इस स्कूटर की कुछ अगर एडिशनल फीचर्स की बात करें तो हम लोगों को मिल जाएगा वॉइस असिस्टेंट मिल जाएगा, इसके साथ ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, एंड जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इस सेगमेंट्स में इससे ज़्यादा फीचर्स लोडेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किसी भी कंपनी का किसी भी स्कूटर में आप लोगों को नहीं मिलेगा। और बाकी आप लोग इसका डिज़ाइन देख सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर हम लोग को प्रोवाइड किया है। इसके साथ जो इसका जो मैट ब्लैक का जो कलर है वो भी काफ़ी बढ़िया कलर हम लोग को प्रोवाइड किया है। एंड इस स्कूटर में हम लोग को मिल जाएगा ET FI, मतलब EcoThrust FI, जिसके कारण हम लोग बेटर परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा एंड बेटर माइलेज भी मिल जाएगा इस स्कूटर से। और इसके साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा TVS इंटेलिगो का ब्रांडिंग। ये जो इंटेलिगो है, इसके मदद से अगर आप लोग हैवी ट्रैफिक में अगर फंस जाओ तो ऑटोमेटिकली जो अपना जो स्कूटर है उसका इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, एंड जब भी आप लोग ब्रेक को प्रेस करके थ्रॉटल मूव करोगे तो ऑटोमेटिकली जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसका जो इंजन है वो हम लोग को मिलता है साइलेंट स्टार्ट, मतलब सेल्फ का कोई नॉइज़ हम लोग को नहीं मिलता है, क्रैकिंग का जो नॉइज़ आता है नॉर्मली वो हम लोग को इस स्कूटर में नहीं मिलता है।
जो काफ़ी अच्छा फीचर्स हम लोग को प्रोवाइड किया है TVS ने। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट से बताइए। होप करता हूँ जो आज का मैंने जो रिव्यू किया इसका वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो इस स्कूटर का कौन सा फीचर्स आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट से बताइए। एंड आगे TVS के कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट से बताओ। मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर वीडियो लाने की। एंड ऐसी बाइक राइडिंग प्लस बाइक रिव्यू वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल हाइपर ब्लॉग्स। एंड वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर सकते हो, आप लोगों का लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। एंड आप लोग नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँच जाए। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।